जी सरन है, आप भी राम राम बोलो। राम राम जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ ऋतु में आप सबका स्वागत है। और ये कितना टाइम हो रहा है? 6 बजे हैं। क्यों पका आया करो दिन तो ले? 5 हो गए होंगे। 7:23 हो रही है। 5 है। पाँच पाँच इस फोन पे ना 17:00 ना 23 हो रहे हैं। सात सात दिखे एक दिखे एक पाँच मतलब साढ़े पाँच उड़न हो रही है। जिस टाइम पे मैंने अपने ब्लॉग की जो शुरुआत कर दी है और देख लिया होगा गाड़ी में बैठी हाँ और तैयार शहर हो गए ना। देखो आज तने शादी वाला पेंटिंग कोट पहन रहे। कहाँ जा रहे हो? हाँ कहाँ जा रहे हो? पेंट कोट पहन काड़े की जाए क्या हुआ है? बता दो ना कहाँ जा रहे हो? पता नहीं मन्नत कड़े लेके जाओगे शादी में ले जाने को। यस आज है ना मेरी फ्रेंड की शादी है तो पहली बार शादी के बाद मैं अपनी फ्रेंड की शादी में मैं जान लग रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम जाऊँगा आपके साथ में शादी में। मेरे साथ में 20 मैम जाएगी तू? नहीं मतलब मेरी जो फ्रेंड है तुम्हें को ना तेरा नहीं होता पहली बार आया कि तेरा को लगा 20 बजा नहीं नोंदा तो हर बार आया है लेकिन फिर मैं जाए कौन पाती क्योंकि दूर रहा है मेरे डब्बड़ सोनीपत रहा है मेरे डब्बड़। तो आज मैं जा वहाँ सोनीपत। देखियो जमा धमाल मचा देवांगे अरे नाच नाच के स्टेज ने तोड़ के आवांगे है ना। तो भाई वृंदावन गार्डन में प्रोग्राम है सोनीपत तो पूछ जावांगे अरे राम मिला ही वापस भी ने आज मैंने देखो पहाड़ में स्टेट करें प्रेस कहिए ले जुगाड़ वाइफ तो मुझे जुगाड़ लगाया गया भी खर्चा करवाने का अच्छा तो जुगाड़ ही लगा मैं है नहीं अच्छे रुपये बचे हैं। देखो तिरंगा कितना अच्छे तरह लहरन लग रहे हैं अपने देश का तिरंगा। और भाई शादी में जान लग रहे हाँ तो फ्रेंड खातर गिफ्ट भी जरूरी है तो यहाँ आता है मन ने लिया था गिफ्ट तो काफी अच्छा गिफ्ट लिया था कुछ सामान यहाँ पर रखा ही नहीं मत लिया था और बहुत ही बढ़िया था मैंने तो गजब का लग गया। पूनम ने भी काफी पसंद आओ उसे की मन पसंद की चीज ली थी मैंने। वृंदावन गार्डन है क्यों पकाओ मैंने तो भाई पहुंच गए हमें वृंदावन गार्डन में। ये तो गेट नंबर 2 है ये गेट नंबर 1 है तो अभी अंदर चलेंगे और सब तो मिलवावांगे फिर आप सभी ने भी। ये देखो तैयारी चल रही है यहाँ पे। हाँ यो तो हमें है ना बहुत तोड़े पहुंच गए थे इस टाइम पे काफी कम लोग आ रहे थे और मामे तो कार्ड के हिसाब से गए थे कार्ड में जितना भी टाइम लिख रखा था मखा होता होगा उसी के हिसाब से। और प्रोग्राम होया जमा लेट चालू जमा 9-10 बजे से चालू होया था सारा प्रोग्राम और मामे पहुंच गए थे आड़ करीब 7-8 बजे से पहुंच गए थे। मामे इतना बैठे रहे खाने दे पींदे रहे उड़ान पुरान आंटते रहे और यो मैं आपने थोड़ा सा गार्डन है जो होटल वगैरह यो दिखाने लग रही थी तो स्टेज भी काफी बढ़िया सजावट कर रखी है उरे कुछ मतलब रसम वगैरह होया करा अपन होया करा जो कर सगाई करया करे नुए और यो सारा खान पीन का एक साइड मिठा एक साइड चरचरा तो कुछ ठंडा और की में गर्म मतलब एक साइड फास्ट फूड वगैरह थे। तो जी मामे पहुंच गए हाँ जड़ हमारी मंजिल थी और पूरे मजे आ रहे हैं। वो लोग जमा कल बना तू देखा रहता मैं इसके वो लोग क्यों बेकार वो लोग बना आप है ना कहीं बेइज्जती मत करया करो ठीक है नी बताऊं मैं आपने नी तो देख लियो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो भाई वो डीजे चला दिया इब के करू कॉपीराइट आ जावेगा क्योंकि थोड़ा डीजे प्रोग्राम हो रहा है थोड़ा भैया डीजे चला रखे है मैंने वॉइस ओवर करनी पड़ेगी जब रुक है जब जब मैं बोल दे रहा हूँ के यहाँ पे वो है ना वो ही बाया था वो ट्रे अड़ाई थी आगे और जयपुर भी ऐसे घूम रहे हो है आप ले क्या हो ना मैं ले आऊंगी टेंशन ना लो। कैमरा उठा कर ना खड़े हो गए मेरा फोन पकड़ा दिया है कैमरा उठा कर ना खड़े हो गए है चलाया सहवी को नहीं ने वाह मम्मी ओ अच्छा चमत्कार चमत्कार दिखाओ तुम्हारी एकदम नानू नू बताओ थे हमारी एकदम तो लाइट भी बुझ जावे सारे की एकदम तो चश्मी जावे है नू दिखाओ थे कि हमारा कनेक्शन देख के खान कर लिया ना रहो बिठा दिया ले फिर चलो जो चला दिया तो फिर अरे मुस्से वाले चट दी तो और देख बारा वाले कंधे वत्ती और देख दी यहाँ पे अमित जी रसमलाई रसमलाई लेते हुए खा लो मैं
तो ही अपने पेट पूजा कर लागे हम हमें, क्योंकि मखा चलो इतने आराम तो बैठा इतने कि मैं खाए पिए ले वहाँ, और अम्मी जी रस मलाई खान लाग रहे, बाकी रसगुल्ला था वो तो मैं खा गई, मलाई मलाई खान लाग रहे हैं। लो जी आइसक्रीम खा लो, 10वीं आइसक्रीम है मेरी है, 10वीं है, 10 आइसक्रीम खाएगी पूरी। रहने दो, इतने पकाई मार हैं, इतने झूठोले हैं, बिरयानी कुकर है, है नहीं। तो मैं अपना आइसक्रीम ठा ली थी, और यार है जब बड़ी लाइन दिखाया सारी फास्ट फूड की है, लेकिन खान कुछ भी कौन दिया, बस उन चखाया चखाया था, ले चख चख ले, या चीज है, या चीज है, बाकी खान बिल्कुल भी कौन दिया था अमित जी ने मेरे ते। जो ये खाए थे अपन के थे के दही बल्ले, अभी दही बल्ले खाए, और अभी हम थूक देंगे, कहीं थूक जावांगे। हाँ तो यहाँ पे पाव भाजी बन रही है। शादी में खूब खूब इंजॉय करे, लेकिन है ना मैं सोचू थी कि है ना मैंने वॉइस ओवर नहीं करनी पड़ा, सारी क्लिप है जो मैं बोल बोल कर निकालूं, लेकिन असली वॉइस में फिर मजा आवर, लेकिन है ना अरे डीजे बंदे को नहीं आए, जुगर अपना गाँव में शादी ओडो तो फिक्स होने की इतने बजे चलेगा इतने बजे बंद होगा, आड़े तो पूरी रात चलता रहा, बाकी जब बंद हुआ था ना जब मैं क्लिप निकाल ली थी एक आधी। अभी हम वेट करने लग रहे हैं क्योंकि है ना सोनीपत यहाँ पे मैं मेरी फ्रेंड की शादी मार रही हूँ ना, तो बुआ जी भी सोनीपत ब्याह रखी है, मतलब ब्याह तो गांव में रखी है लेकिन सोनीपत रहे हैं, तो बुआ जी और आवेंगी, फेटांगे मिलांगे, बातचीत करांगे, अपने पहली बार मिलोगे आप बुआ जी से, पहली बार मिलोगे आप बुआ जी से पहली बार ही। हेलो गाइस, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक कर दी, लाइक करना, कमेंट भी करना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दियो चैनल में भाई। और ये आपके लड़के हैं? हेलो करते, हेलो हेलो करियो, अलग से वीडियो बनवा ले, फिर तेरी वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे, देखेंगे कितने सारे कमेंट आएंगे फिर तेरे लिए। और शादी में मिल गए थे हमने हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर सीमा दीदी के भी, सीमा दीदी के पहले बने फिर मेरे बने, तो जमा लगातार वीडियो देखें, एक भी वीडियो नहीं छोड़ दे, जमा असली और पक्के वाले सब्सक्राइबर हैं। और इन्होंने ना स्पेशल नु बोला था कि हमने वीडियो में ले, तो मैंने भी बहुत बढ़िया लग गया, क्योंकि है ना काफ़ी सारे मैंने पूछा है ना, तो अधिकतर ने मनाए कराया है, एक आधे से होंगे जिन्होंने कहा कि हाँ वीडियो में ले लियो हमने, नहीं तो सारे के सारे मना कर दे, इस करके मैं पूछ दी भी कौनी ने, और काफ़ी अच्छा लग गया। और ये है भाभी मेरी जो सबसे छोटी वाली है बुआ के लड़की की, वो देखो ये घाघरा सा पहनी है, लहंचा पहनी है, और भैया बैठे हैं यहाँ पे, तो इनका एक लड़का भी है मेरा भतीजा। भाई भाभी तो मिलकर ने आगे हम हमें थोड़ा खाना पीना खान खातर अमित जी डालन लग रहे हैं, अच्छे से डालो कहीं गिर ना जाए। हाँ नू कर मारो एक अच्छी है, मेरा मेकअप, मेरा लाखों का मेकअप खराब हो जाएगा है। तो भाई बुआ तो आई को नहीं, बस भाई भाभी आए हैं, मिल फेट लिए हाँ, बस एक तो दुल्हन की बात है, फिर अपना घर का सरकांगे भी, बहुत लेट होने लग रहा है प्रोग्राम, 3 घंटे का रास्ता है, बहुत तो मुश्किल हो जाओगा जाना। और अभी मैं लेने जा रही हूँ रोटी, तो गर्मा गर्म रोटी बनन लग रही थी, तो जमानू बल्दी लेके आई थी, इसमें ड्रामत है ना लकड़ी थी, और मैं लेके आई थी, जमा सही मज़ा आ जाए, ताती ताती तो फालतू भी खाई जावे हैं मज़े मज़े में। और नू सारे के अलग अलग स्टॉल स्टॉल से लगा रखे थे, ये देखो यो वाला है जो यो कॉफ़ी का है, जमा स्पेशल कॉफ़ी का आगे भूखे इसके भैया, इतने तो लिल्लू के वो गर्ल फैमिली में काड़ू वाली में काड़ू भी कौन लेंदा घर ले, और डांस प्रोग्राम जो है यो भी शुरू हो गया है, तो स्टेज पर गया है, शुरू में तो कोई भी ना था, इब जमा इब कितने जगह खाली भी को नहीं दिख दी, और भाई कौन ही सुना सकती गाना नहीं सुना सकती मैं, क्योंकि मेरी करी कराई मेहनत के ऊपर पानी फिर जावेगा, कॉपीराइट आ गया ना, तो बयानी मेरा इतना नेट खराब हो जावेगा,
हमें दोबारा तक कटपट वो शोर करनी पड़ेगी, इतना सारा टंटा करना पड़ेगा। इस अच्छा तो भाई नू एंजॉय कर लियो, देख लियो एक्शन एक्शन कर दिया ने। गाना नहीं सुना सकती, गाना आप अपने फ़ोन में बजा लियो और हर वीडियो देख लियो मेरे फ़ोन में, ठीक है। और बस यहाँ पे डांस प्रोग्राम चालू हो रहा है, बाकी मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत किते तो वॉइस ओवर कर दूंगी और कि मैं सुना भी दूंगी आप सभी ने मैं, ठीक है। अभी मैं आप सभी ने मिलवा दूँ मेरी भाभी आता है, ये देखो दोनों के दोनों मेरी भाभी हैं। जो सिर पे दुपट्टा रख रही है वो तो मेरी बड़ी भाभी है, और जो साइड में खड़ी थी ना वो मेरी सबसे छोटी वाली भाभी है। तो बुआ जी के दो लड़के हैं, और ये देखो एक तो वो है जो देखो बेबी ने खिलाने लग रहा है ना, ये मेरा छोटा भाई है, भाई बोलू। और यहाँ पर रीति रिवाज पता ना कौन सा रीति रिवाज चल रहा था, मैंने तो मेरा को नहीं। और यहाँ पर तो मैं बस मेरी बुआ की फैमिली और एक और फैमिली और जिनकी शादी थी उनकी सारी फैमिली ने जानू थी, और तो अनजान थे मेरे खातर में। हाँ एक सब्सक्राइबर भी मिल रही थी मैंने, एक उनकी फैमिली ने जानू थी। और यो रीति रिवाज पता नहीं भी क्या है, डब्बा के ऊपर डब्बा, डब्बा के ऊपर डब्बा, डब्बा के ऊपर डब्बा, यानी कि है ना छोटा के ऊपर ना बड़ा के ऊपर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, नंबर वाइज ये खड़े कर रखे थे, पता ना क्या कौन सा रीति रिवाज है। बाकी इस टाइम पे मामे थे भी कोई रहा, अगर मैं आपसे भी ना दिखा पाऊँ तो। और अभी मैं मेरा भतीजा न लेने चली गई हूँ, तो मेरा भतीजा है एक छोटा सा, और बाकी ना अच्छा है गुल मिल जावे, लेकिन इन्हें ई भी थोड़ा सुते उठा था, तो इसी करके न बस मम्मी पापा दिखते, बुआ को ना दिखे थी, तो वैसे घुल मिल जल्दी जावा आ जावा सबके पास में ही। और ये देखो हमारे दूल्हे राजा भी आ चुके हैं, मतलब मेरे जीजा जी, तो पूनम मेरी सिस्टर होगी, बेबी होगी, डब्बन होगी, तो ये मेरे जीजा जी हो गए। तो देख लो आप सब भी कैसे लगे आप सभी ने हमारे जीजा जी, तो बता दियो कमेंट करके ना जरूर एक बारी। और हाँ अभी मैं आप सब ने नू बता दूं कि भाई शादी कुकर है, कड़ा है के लग गया है मेरी कुकर, हमारी फ्रेंडशिप हो इतनी दूर। तो है ना देखो सोनीपत मेरी बुआ रवे है, तो जब भी छुट्टी होया करती ना स्कूल की, तो मैं ना सोनीपत चली जाया करती बुआ के पास में, और बुआ के पास मैं पूनम और आया कर दी, तो मैं फिर पूनम के साथ में उनके घर चली जाया कर दी। और जमा सुबह तो शाम तई ओड़े रहा कर दी, ओड़े खाया पिया कर दी, ओड़े जमानू पूरा टाइम पास कराया कर दी मैं, और बस घर में सोन सोन खातर जाया कर दी बस, और कि मैं नहीं करके आया कर दी थी मैं। तो इस करके ना हमारी दोस्ती हुई थी, अरे यार दोस्ती हमारी तक चल रही है, भगवान नु करे कि हमेशा ही चलती रहे हमारी दोस्ती। बाकी चार पांच फ्रेंड्स हैं मेरी बहुत खास खास, एक ही तो शादी होगी और आगे ब्याह ना कदम डावत देगा। तो स्टेज पे आगे हैं ये भाई, ये देखो अभी मेरी फ्रेंड तभी मिलवा दूँ, ये देखो दोनों का जोड़ा कैसा लगे आप सभी ने, दोनों की जोड़ी तो बता दियो कमेंट करके ना एक जरूर तभी जरूर। सामने देखना सामने, वेट ऐसे रहना सबको, अंकल देखना अंकल जी यहाँ पे। तो आप सभी ने भी मिलवाए दियो, मैं जिस जिसने जानू हूँ सुस्त तो मिलवाए दियो, बाकी घड़िया न जान दी को नहीं, बस जो मेरी फ्रेंड है उसकी फैमिली और मेरी बुआ की फैमिली और सब्सक्राइबर, बस इन्हें न जानू थी मार है। और ये हैं अंकल आंटी हैं मेरे, पूनम के माता पिता, मम्मी पापा हैं मेरी दोस्त के, तो मिल लो इन सब तभी। और ये हैं बड़े भैया जो पूनम है उनके बड़े सब तो बड़े भैया हैं, तो और इन सब ने तो आप जान दे हो गए आपकी लाडली चैती रितु और अमित जी, और ये दोनों बिल्कुल सेम सेम पहने थे मामी ग्रीन ग्रीन कलर। भाई दो बज गए रात के, रात के दो कौन ही बज रहे,
11:51 हो रही है, 12 बजे है। हाँ तो अभी चलेंगे घर का नहीं सरका। हाँ और बाकी डिटेल में तीखा खाना खा लिया, नींद को ना होगी, रास्ता में लंबा सफर। हाँ बाकी पहुँचना बहुत जरूरी है, कल दुकान भी संभालनी है और प्रोग्राम नो है होटल में। तो बस इतना ही कर रखा था कि माला वगैरह वरमाला पहनानी है, बस माला वगैरह का प्रोग्राम था, फेरे वगैरह वो घर पे करवाएंगे। तो फेरे का टाइम तो हमको नहीं रहा, घर पहुँचना बहुत ही नेसेसरी हो रहा हमारे खातर। और फिर जरूर कहेंगे ना तो हाँ 4 बजे तो फेरे शुरू होंगे, 4 बजे तक लेकर है पूरे 8 बजे तक, 4 घंटे पूरे 4 घंटे फेरे हुआ करें। मतलब कुछ अलग रिवाज हैं मेरी दोस्त और के, तो काफ़ी जमाए और डाल के रिवाज है इनके, तो सच में 4-4 घंटे कभी 8-8 घंटे और जमा शुभ मुहूर्त पे ही वो करेंगे। इब देखो इब 12 बजे तो 4 बजे फेरे होंगे जाकर ना। तो अभी बस यहाँ पे फोटो वगैरह उतरन ला रहे हैं सबके और फिर घर पे जाओगे, सारी बारात भी घर आए जाएगी पूनम और घर पे। और ये सारी बटे उसटे हुआ खातर बरातियाँ खातर जचा दी हैं प्लेट, देख लियो कुकर लगा दी हैं, कितनी सेवा पानी चल रही है बटे उसठे हुआ की खाली प्लेट धरी है, रायता पानी बस नुए धरिया है, सलाद वगैरह है। तो अमित जी तो जा लिए हैं और अभी आप भी चलना अपनी गाड़ी कहानी बनाई थी के। हाँ फोटो वगैरह भी खींच दिए थे मेरा शुरू में ना, मम्मी बहुते तोले पहुंच गए थे होटल में, बहुते तोले पहुंच गए थे और जमा सरुए जट फोटो मारा खेचा मारे दोनों अगर सरुए जट वीडियो वाला भी मारे दो रहा आया देख लो पागल बना हुआ ऐसी कोई बात कौन सी पागल कौन बना दी देखी कितनी लाइट आवे पीछे कितनी लाइट सन लाग रही है। तो भाई या गाड़ी दो आगे हाँ और अभी वीडियो कर दे वहाँ एंड, मिलेंगे आप सभी ने कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अगर आप सभी ने हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज भाई जान जान दे लाइक कर जाइयो, कमेंट कर जाइयो, शेयर कर जाइयो और चैनल को भाई जो नया सब्सक्राइब कर दियो। हाँ कर दियो है, देखो आज अमित जी ने कह दिया, अमित जी की बात मानोगे मेरी नहीं तो मान दे तो बड़ू आ जाएंगे तो भाई की तो मैं लो तारे की ओके जी फिर बाय बाय टाटा टेक केयर, देखो भी कद लग रहा पहुंचाएंगे।